नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ नीलम अग्रवाल। आज मैं आपको मकर संक्रांति पे कुछ बोलना चाहूँगी, जो कि होली लोहड़ी के नेक्स्ट डे आती है, जो इस बार 15 जनवरी को आ रही है, विच इज़ संडे। तो उस दिन कहते हैं कि जो सूर्य होता है उसको राहु ग्रहण लगाता है, इसलिए हम ये त्यौहार मनाते हैं। और सभी लोगों का निवेदन है कि वो अपने जो उनके पुराने रिचुअल्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारे एस्ट्रोलॉजिकली हमें अफेक्ट करता है। अगर हम अपने रिचुअल फॉलो नहीं करते, जो आजकल लोग नहीं करना चाहते हैं, दे फील लाइक दे आर मॉडर्न, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, बट नो। पर आप कहीं ना कहीं देखो, लोगों को बहुत स्ट्रेस लेवल है, लोग आपस में बात नहीं करना चाहते, उनके रिलेशंस ना अपने रिलेटिव के साथ अच्छे नहीं हैं, भाइयों के साथ, बहनों के साथ। आप देखते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही है? क्योंकि पहले के लोग साथ में रहते थे, चीज़ों को शेयर करते थे, बातें करते थे। आजकल कोई बात नहीं करना चाहता, आजकल कुछ शेयर नहीं करना चाहता। सो मकर संक्रांति का मैं आपको एक बहुत बड़ा रिचुअल बताती हूँ कि आपको सरसों का तेल लेके अपने नेवल पे लगाना है, ठीक है? और फिर आपको उससे थोड़ा सा सरसों का तेल और लेके पूरी बॉडी पे आपको थोड़ी मसाज करनी है, और उसके बाद आपको नहाना है। तो दिस इज़ द रेमेडी फॉर मकर संक्रांति, जो 15 जनवरी को है। और जैसे घर के आपके रिचुअल हैं उसको आपको फॉलो करना है, जो भी आपको डोनेशन देनी है, जो भी आपके घर के रीति रिवाज है उसको वैसे ही फॉलो करना है। तो दिस इज़ द एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी दैट व्हाट आई वांट टू शेयर। ये रेमेडी आपको सैटर्न के बैड इफेक्ट से भी बचाएगी, ये रेमेडी आपको राहु के बैड इफेक्ट से भी बचाएगी। सो आप ट्राई करिए एंड आप यूज़ की द चेंज। सो ऑल द बेस्ट। अगर ये आपको अच्छी लगती है वीडियो तो उसे आप लाइक और शेयर करिए। यू कैन कनेक्ट विद मी फॉर कंसल्टेंसी फॉर एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। माई नंबर इज़ 9 8 1 0 0 5 2 4। थैंक यू।